भाई जान, पूरे 8 महल कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं और ये नवा महल अंडर कंस्ट्रक्शन है। आपका भाई 8 दफा कर्बला जा चुका है और ये मेरा नवा सफरे कर्बला है। अब तो सवाब इतने जमा हो गए हैं कि बस आपका भाई डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जाहिर। अच्छा ये तो बताओ कि तुम कर्बला जाते क्यों हो? ये लो, फिर शुरू हो गया आपका फलसफा। वैसे यार ये सवाल मुझसे कुछ साल पहले एक टैक्सी ड्राइवर ने भी किया था। सर ये देखें, बस पहुंच गए एयरपोर्ट। चलें सर अपना ट्रिप बहुत एंजॉय करें। मेरे भाई इंजॉयमेंट पे नहीं जा रहा, ज़ियारत पे कर्बला जा रहा हूँ। मगर क्यों सर? मेरा मतलब है कर्बला ही क्यों जा रहे हैं सर? कर्बला इसलिए कि बहुत सवाब मिलता है मेरे भाई, इतना सवाब कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो मदीना चले जाएं सर, रसूल अल्लाह का मकाम हजरत हुसैन के मकाम से ज़्यादा बुलंद है, ज़्यादा सवाब मिलेगा। मानी ये बहुत इम्पोर्टेंट और सोच तलब सवाल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बुलंद मर्तबा किसका है? रसूल अल्लाह का। सही, 100%। तो अगर रुतबे के लिहाज से देखा जाए तो सफरे मदीने की इतनी तलकीन होनी चाहिए थी, या अगर आइमा में ही देखें तो इमाम अली का रुतबा तमाम इमामों में सबसे बुलंद है। मगर किसी इमाम की जियारत को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई जितनी जियारत इमाम हुसैन की है। हाँ मगर क्यों भाई, शॉर्ट करो अपनी बात। हाँ मानी, मगर समझो पहले, हर शबे जुमा जियारत आशूरा की ताकीद है, ईद, बकरईद, 15 शाबान, लैलतुल कद्र, हर मौके पे जियारत इमाम हुसैन की ताकीद है, क्यों? अरे भाई यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? यही तो कंफ्यूजन है कि अगर बात रुतबे और अकीदत की थी तो हर शबे जुमा रसूल अल्लाह या इमाम अली की ज़ियारत की ताकीद होनी चाहिए थी। मे बी इसलिए कि इमाम हुसैन पे सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। बेशक बेशक मानी, इमाम हुसैन के मसाइब जमीनों आसमान से ज्यादा हैं। मगर क्या बीबी जहरा पे कम जुल्म हुआ? इमाम मूसा काजिम पे कम जुल्म हुआ? इमाम अली पे कम जुल्म हुआ? अगर सिर्फ जुल्म मसाइब ही क्राइटेरिया होता तो हमारा हर इमाम मजलूम है और बीबी सैयदा बे इंतहा मजलूम है। हाँ तो फिर बताओ क्यों, कर्बला क्यों? मानी डायरेक्ट लिंक है इमाम हुसैन और इमाम जमाना में, इसीलिए अस्हाब इमाम हुसैन और अस्हाब इमाम जमाना की बेइंतहा फजीलत बयान हुई है। हम कर्बला जाएं ताकि अस्हाब इमाम हुसैन को देखकर अस्हाब इमाम महदी बनने की कोशिश करें, और कर्बला जाएं ताकि ये भी देखें कि अगर उम्मत अपने इमाम को तन्हा छोड़ दे तो इमाम उम्मत किस तरह जुल्म मसाइब का शिकार होते हैं। कर्बला जाएं ताकि देखें कि वो लोग जो अपने इमाम से वफा करते हैं क्या रुतबा पाते हैं। कर्बला जाएं ताकि देखें मौला अब्बास को और उनसे दर से इताअत और वफा लें, हबीब से दर से मोहब्बत लें, जोहैर से दर से सखावत लें, वहबे कल्बी और जॉन से इश्क करना सीखें, हुर से दर से तौबा और नदामत लें, औनो मोहम्मद से दर से दिलेरी लें, कासिम से शौके शहादत लें, अली अकबर से जिम्मेदारी लें, हर सहाबी हुसैन से शिया बनना सीखें, और देखें इमाम हुसैन और इमाम सज्जाद को, रश करें अपने आइम्मा पर, उनके सब्र पर, उनके अज़्म पर, उनके इरादे पर, उनकी इस्तकामत पर, समझें कि हक क्या है, बातिल क्या है,
हमें किसकी इताअत करनी है? मैंने कभी करबला को इस निगाह से देखा ही नहीं, सिर्फ सवाब और अकीदत ही समझा। मानी, करबला उससे बहुत बुलंद है जो हमने बना दी है। करबला को समझने और समझाने की जरूरत है। बेशक कितने दर्स लेने हैं हमें अपनी दर्सगाह से, और ना सिर्फ दर्स लेने हैं बल्कि उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करना है। हमें अपने जमाने के इमाम के साथ वही ताल्लुक कायम करना है जो अस्हाबे इमाम हुसैन का इमाम हुसैन के साथ था। अब जो मैं करबला पहुंचूंगा तो टूरिस्ट बन के नहीं बल्कि बाशऊर जायर इमाम बनकर। आप भी मेरे हमराह चलें और दूसरों को भी दावत दें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।